चाणक्य की चतुराई चरमरा गई, मोदी का घमंड ढह गया और दिल्ली के जनता ने, दिल्ली की आवाम ने कह दिया कि यहाँ नफरत की जगह नहीं है, यहाँ अमन, भाईचारा और काम बोलेगा, और काम का मतलब केजरीवाल। सर, यहाँ पर जिस तरीके से लिखा गया है, गोली गाली मंजूर नहीं, लाल किला अब दूर नहीं, थोड़ा सा समझाइए सर। देखिए, जो सियासत में गोली और गाली की भाषा चल रही थी, जो भाजपा के छुटभैया नेताओं ने सियासत को बांटने की बात करी, आवाम को बांटने की बात करी, धर्म के चश्मे से, जाति के आईने से और कपड़ों के रंग से पहचानने की बात की, वो सियासत दिल्ली में चित हो गई। चाणक्य की चतुराई चरमरा गई, मोदी का घमंड ढह गया और दिल्ली के जनता ने, दिल्ली की आवाम ने कह दिया कि यहाँ नफरत की जगह नहीं है, यहाँ अमन, भाईचारा और काम बोलेगा, और काम का मतलब केजरीवाल। काम का मतलब है केजरीवाल, काम ने बोला है? बेशक काम ने नहीं बोला होता तो इतना बहुमत, देखिए उड़न खटोले उड़ते रहे, एक दुनिया के सबसे बड़े दल का नेता, गृह मंत्री गली गली में हाथ जोड़कर वोट मांगने को मजबूर हो गया। लेकिन सर कह रहे थे कि हिंदुत्व खतरे पे है, लेकिन आपको देख के तो लग रहा है आप प्योर हिंदू है। देखिए, हिंदुत्व को खतरे में सिर्फ हिंदू ही कर सकता, और किसी में ताकत ही नहीं कि हिंदू को खतरे में कर सके। हिंदू कोई छोटी जाति है, धर्म है क्या? हिंदू सनातन है। हिंदू कोई राजनीति से खत्म होगा या राजनीति से शुरू क्या होगा? हिंदुस्तान, और जब तक आवाम, जब तक ब्रह्मांड है, तब तक हिंदुत्व का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये मंदिर का नाम लेके, ये धर्म का नाम लेके, मस्जिद का नाम लेकर जाति की दीवार, धर्म की दीवार उठाने वालों के दिन लज गए। अब तो वही राज करेगा जिसके राज में बिजली के बल्ब जीरो होंगे, बिल जीरो होंगे, नल से जल हंसता खिलखिलाता हुआ मुफ्त में आएगा, बसों में बहनें मुफ्त यात्रा करेंगी, शिक्षालय देवालय बन जाएंगे और शान से पाठशालाओं में देश का भविष्य लिखा जाएगा। आप इतना अच्छी बात बताए। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि दिल्ली, अभी दिल्ली वालों के दिल में क्या है वो तो बता दिया है, लेकिन बिहार में और अभी बंगाल में चुनाव होने वाले, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, ये संदेश काम को सलाम, दिल्ली का पैगाम। दिल्ली ने साफ जाहिर पर कह दिया है कि जो काम करेगा उसी को अभी इनाम मिलेगा, और ये इनाम की बात जो आज दिल्ली की आवाज़ है, ये पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है और हर बच्चा बच्चा कर रहा है, लगे रहो केजरीवाल। ये संदेश अब दिल्ली से निकल कर बिहार जाएगा, बिहार से बंगाल को चूमते हुए, उत्तर प्रदेश को छूते हुए। मैंने जैसे लिखा है कि गाली गोली मंजूर नहीं, लाल किला दूर नहीं, केजरीवाल जल्दी ही लाल किला की प्राचीर से तिरंगा फहराते नजर आएंगे। मतलब है, अच्छा ठीक है, इनका यही कहना है, फिर हम और भी लोगों से जानेंगे। आप लोगों का क्या कहना है, 5 साल और क्या उम्मीद लगाते हैं? मैं ऑल जे एंड के किसान मजदूर पार्टी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का हूँ। मैं कहता हूँ आज अरविंद केजरीवाल जी शपथ ले रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर ले रहे हैं, और कोई नहीं, आगे भी करेंगे अगर तो फिर आ जाएंगे। उम्मीद है विकास, क्योंकि इनको हम महिला से भी जानते हैं। मैडम, आप लोग दिल्ली से हैं? हाँ जी, दिल्ली से। तो बस तो महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है, तो 5 साल भी गारंटी बताया कि वो 5 साल जारी रहेंगे, लेकिन आने वाले 5 साल में क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग? हम तो यही चाहते हैं कि जितना काम उन्होंने किया है आगे भी इसी तरह करते रहें, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते रहें बस। और अच्छा काम होना चाहिए, और अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा, बिहार और बंगाल से लेके बिहार और बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। जी जी जी, उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहिए? उनके लिए भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे दिल्ली में होता है उससे भी। अच्छा, दिल्ली में जितना अच्छा हो रहा है ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी, ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है सर? दिल्ली में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। केजरीवाल और मंडी डिप्टी सीएम साहब ने जो एजुकेशन के लिए स्पेशल जो काम किया है, प्लस एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कुछ जगह आपने देखा होगा। 5 साल और क्या उम्मीद लगा रहे हैं? 5 साल में इन्होंने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। दिल्ली का जो कुछ स्कूल ऐसे जो छूटे हुए हैं जहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की जगह है, और वो इम्प्रूवमेंट करेंगे। प्लस बिहार के सारण जिला से आया हूँ। मतलब बिहार से आए हैं? अच्छा, राजेंद्र बाबू और बिहार में भी बदले का अभी? हाँ, अब इनका है ऐसा, जिस तरह से 70 बरस में जो कोई नहीं किया महिलाओं के लिए, जो बस का है तो साधारण बात है। ये वृद्धा पेंशन जो है विकलांगों के लिए है, 3,000 रुपया देते हैं, 2,500 देते हैं वृद्धा पेंशन, ये एक नया युग का शुरुआत किया है। अच्छा, आप लोगों को भी उम्मीद है? उम्मीद है, और हमारा उम्मीद ये है कि ये पूरे भारतवर्ष में फैलेंगे और बिहार पर इनका हैट्रिक होना चाहिए। बुलाइए बुलाइए, नहीं आएंगे। हाँ जी,
मैडम आप लोग आज यहाँ पर आए हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रही है। अच्छा लग रहा है, तो आगे और 5 साल क्या उम्मीद करते हैं इनसे? इनसे लिए दुआ करी 5 साल क्या मंत्री वाला जो मंत्री वही विकास ये करेंगे, विकास करे और बाद में फिर प्रधानमंत्री बन जाएगा। आप लोगों का कोई रिक्वायरमेंट है, आप लोगों का कुछ अपना डिमांड है? पानी का बिल माफ कर दिया, बिजली का बिल माफ कर दिया। नहीं, ये तो माफ कर दिया, बट आप लोग चाहते 5 साल और कुछ आप लोगों के लिए खास करें? हाँ, खास करें, करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। विकास करेंगे, विकास क्यों नहीं करेंगे? देखो विकास ही किया 5 साल में, जब जाके जनता जनार्दन है, जनता ने दिखा दिया। और इस बार मैं तो कहता हूँ मोदी जी को केजरीवाल जी के पास ट्यूशन लगाना चाहिए। ट्यूशन लगाना चाहिए मोदी जी को, केजरीवाल जी के पास ट्यूशन लगाना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन से मैं शिक्षा लेने के बाद देश का विकास हो सके, देश का भला हो सके, देश के अंदर बेरोजगारी। तो पीएम है और सीएम है सर, आप कह रहे हैं पीएम आके सीएम की बात? हाँ हाँ, जब ये देखिए बच्चा होता है, एक बड़ा होता है, ये कोई जरूरी नहीं है एक बड़े को इल्म होता है, इत्तेफाक ऐसा होता है बच्चे को भी इल्म होता है, बड़ा पीछे रह जाता है। तो मोदी जी मैं मानता हूँ देश के पीएम हैं, लेकिन उन्हें देश की उन्हें नॉलेज नहीं है, देश का विकास कैसे होगा, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। आज देश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, रिश्वतखोरी, जिस दफ्तर में जाएंगे, जिस ऑफिस में जाएंगे, रिश्वतखोरी। अरे कहेंगे कहेगा विकास है कि ये देश देश को खोखला बना दिया, देश खोखला बन गया अभी। अच्छा सर, आप ये क्या बिहार में और बंगाल के लिए क्या बोलना चाहते हैं? अभी चुनाव होने वाले हैं वहाँ के लोग। देखिए जनता जनार्दन है, जनता ने जैसे दिल्ली के अंदर दिखा दिया देश के नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को, ऐसे बिहार में यार जो आज चुनाव होने वाले तो मोदी जी को दिखा दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ में एक बात और कहना चाहता हूँ अमित शाह से, अमित शाह कहते ऐसा बटन दाबिए साइन बाग पे करंट लगे, ऐसा बटन दबा हम लोगों ने अमित शाह पे, मोदी जी पे, योगी जी पे करंट लगाए जाके। और इस बार जनता दिखा देगी, जनता जनार्दन है। देखिए विकास कुछ नहीं हुआ देश के अंदर, इन लोगों ने देश को खोखला कर दिया, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कितने बच्चे पॉलिटेक्निक करो, बीटेक किए, ग्रेजुएशन लियो, बस्ता बैग कंधे पे टांगो फिर रहे। धन्यवाद।